हे गाइस, वेलकम टू मुकेश किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आम की बर्फ़ी। आपको पता ही है कि गर्मी का सीज़न है, तो आम की बर्फ़ी मतलब आम जो है वो सीजनल फ्रूट है। तो आज हम बनाते हैं आम की बर्फ़ी। इसके लिए हमने लिया है एक आम जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और इसको हम डाल देते हैं मिक्सी जार में। अब इसमें डाल दिया है हमने चीनी, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हमने इसको कर लिया है ग्राइंड। तो देखिए, इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बनाना है। और यहाँ हमने कढ़ाई रख दिया गरम करने के लिए। और इसमें डाल दिया है दूध, एक कप दूध, बड़ा एक कप हमने दूध लिया है। और इसके अंदर हमने डाल दी है चीनी। चीनी आप ध्यान से डालें, क्योंकि हमने पहले आम में भी चीनी डाली थी और अब दूध में भी चीनी डाल दी है, तो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। और अब इसमें डाल दिया हमने केसर के दाने, केसर के लच्छे, और इसको हम पका लेते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं, हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था गोले को, तो उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है, दो कटोरी। और इसको हम अच्छे से पकने देते हैं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो अब जो ये पेस्ट है हमारा एकदम देखिए गाढ़ा हो चुका है खोए की तरह। अब हम इसमें डाल देते हैं आम का पल्प जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके अंदर हम डाल देते हैं एक चम्मच घी, इसको और गाढ़ा होने देते हैं। तो देखिए ये गाढ़ा होने लगा है। तो देखिए पेस्ट ने जो है कढ़ाई को एकदम छोड़ दिया है, और हमारा जो ये है बनके तैयार हो चुका है। अब हम एक प्लेट में बटर पेपर लगा लेते हैं और इसमें डालते हैं अपने इस पेस्ट को। बर्फ़ी को हम जो है वो जमा देते हैं अच्छे से ट्रे के अंदर। तो अब हमारी जो बर्फ़ी हम उसको गार्निश कर लेते हैं बादाम की थोड़ी कतरन डालकर। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो अब हम अपनी बर्फ़ी को 3-4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे जमने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी बर्फ़ी जो है वो एकदम तैयार हो चुकी है। इसको कर लेते हैं हम कट, ये ऐसे सॉफ्ट ही रहेगी। तो गाइज, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।